कहीं अवैध संबंधों में मां बन रही हत्यारन तो कहीं जमीनी विवाद को लेकर पुत्र कर रहे पिता की हत्या। जमीनी लालच में पुत्र ने कर दी पिता की हत्या। पूरा मामला जनपद हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक कलयुगी पुत्र ने अपने पिता की जमीनी विवाद को लेकर हत्या कर दी। कलयुग में रिश्तों पर भारी पड़ रही जमीन जायदाद, लालच और अवैध संबंध। आपको बता दें कि अभी 3 दिन पहले एक मां ने अवैध संबंधों के चलते राठ कोतवाली के ग्राम गालिया में अपने 7 वर्षीय पुत्र की हत्या कर दी और आरोप पति पर लगा दिया था, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए मामले का सफल अनावरण कर दिया और हत्यारन मां को हिरासत में ले लिया, जिसका आज खुलासा होने जा रहा है। और अब कुरारा थाना क्षेत्र में पुत्र ने सिर्फ इस बात पर अपने पिता की हत्या कर दी कि वह जमीन जायदाद और घर का बंटवारा चाहता था। सोचने वाली बात यह है कि जिस बाप ने उंगली पकड़कर अपने पुत्र को चलना सिखाया और दुनियादारी को समझाया, उसी पुत्र ने आज अपने बाप को फरसे से हमला कर लहूलुहान कर दिया, जिसको इलाज के लिए पुलिस द्वारा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर इलाज चल रहा था, लेकिन पिता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बातचीत हो रही थी इन दोनों की, तो पापा ने कहा कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा ये सब, तो बस वो अंदर से लेके आया और मार दिया। हम तो अंदर थे, हमने देखा नहीं, हमारे 2 बच्चे खड़े थे यहाँ पर, हमने देखा है, और सासू माँ यहाँ लेटी थी हमारी। दिन में 11:30 बजे के आसपास कुरारा कस्बे में कृपा शंकर उर्फ मिठाई लाल सोनी को उनके लड़के रामेंद्र उर्फ रामू सोनी ने गणासा फरसा से वार करके गले में चोट पहुंचा दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उनके लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया फरसे के साथ, और उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया 307 का, और इन्हें ले जाया गया सदर अस्पताल, जहां डॉक्टर इलाज कर रहे थे। इलाज के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई है। आरोपी पुत्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामला पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। सोचने वाली बात यह है कि अब लोग किस पर भरोसा करेंगे, जब खून ही खून को बहा रहा है और एक माँ जैसा पवित्र रिश्ता अपने पुत्र की हत्या कर रहा है, तो दूसरी ओर पुत्र पिता का खून बहा रहा है। NBC न्यूज के लिए हमीरपुर UP से अनिल कुमार की रिपोर्ट।